अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उमर फारूक खान है। आज आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हुआ हुआ है। जैसे कि आप लोगों को पता है, चैप्टर का नाम है बेसिक कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेस। तो जहाँ से हमने चैप्टर छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ ज़रा नोट डाउन कर लें कि हम यहाँ पे सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है जी। इसमें से अगर कोई चीज़ कवर करने वाली है तो मैं आपको साथ साथ करवाता जाऊंगा। जो चीज़ एक्स्ट्रा है वो चीज़ हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। लास्ट हमने पढ़ा था हाउ फॉर्म टेबल एंड रिलेशन और रिकॉर्डेड फाइल्स के बारे में पढ़ा था। आज हमने पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनशिप टेबल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं और अपने पिछले टॉपिक को के साथ उसको कवर करते जाएंगे। अच्छा जी, रिलेशन टेबल्स और प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं मेरी इलम में ये थी तो मैंने ये लिख दी है। बाकी आपकी जो बुक वाली है उनको भी प्रॉपर डिस्कस करेंगे। वैल्यूज आर एटॉमिक, मतलब वैल्यूज हमारी जो एटॉमिक होती हैं। कॉलम्स वैल्यूज आर ऑफ द सेम काइंड, ठीक है जी। ईच रो इन इज यूनिक, ठीक है। तो हर रो में जो हमारे पास डाटा है वो यूनिक होता है। उसके अलावा द सीक्वेंस ऑफ कॉलम इज इनसिग्निफिकेंट, मतलब जो सीक्वेंस होता है पूरा एक सिग्निफिकेंट तरीके से आ रहा होता है। रोज भी हमारे पास इनसिग्निफिकेंट तरीके से आ रही होती हैं। उसके अलावा बेटा हमारे पास है ईच कॉलम मस्ट हैव अ यूनिक नेम, मतलब हर कॉलम जो है उसका एक यूनिक नेम होगा, ठीक है जी। आपकी जो बुक में लिखी हुई है वो हमारे पास थी नो डुप्लीकेट रोज एग्जिस्ट, देयर शुड नॉट बी टू आइडेंटिकल रोज इन टेबल, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन कॉलम सेट ऑफ कॉलम्स हुज वैल्यूज यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रोज इन द टेबल, सच कॉलम्स और सेट ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड प्राइमरी की। द प्रॉपर्टीज इंश्योर दैट द एवरी रो इन आर टेबल आइडेंटिफाइड बाय स्पेसिफिक प्राइमरी की वैल्यूज, मतलब कोई भी डुप्लीकेट रो नहीं हो सकती, हर यूनिक नेम होगा, उसकी अपनी पहचान होगी, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है द ऑर्डर ऑफ रोज इन सिग्निफिकेंट, ठीक है जी। मतलब कितनी रो में हमारे पास एक रो है कितनी अहमियत है। द पोजिशन ऑफ अ रो इन अ रिलेशन इज सिग्निफिकेंट, अ रो इज नॉट आइडेंटिफाइड लोकेशन इन द रिलेशन, द रोज कैन बी रिट्रीव्ड इन एनी फोल्डर, दे इनेबल्स मैनी यूजर टू द सेम टेबल विदाउट कंसर्न ऑफ हाउ टेबल्स इज ऑर्गेनाइज्ड। उसके बाद हमारे पास है द ऑर्डर ऑफ कॉलम्स सिग्निफिकेंट, द पोजिशन ऑफ अ कॉलम इन अ रिलेशनशिप इज सिग्निफिकेंट, मतलब जो भी रिलेशनशिप है उसे हमारे पास उसकी अहमियत है। बिकॉज रोज और कॉलम्स मिलेंगे तो हमारे पास एक टेबल कंप्लीट होगा। अ कॉलम इज नॉट आइडेंटिफाइड लोकेशन इन द रिलेशन, जो कॉलम है वो आइडेंटिफाई नहीं करती। आइडेंटिफाई कौन करता है? रो आइडेंटिफाई करती है, जैसे रो नंबर वन, रो नंबर टू, ठीक है जी। इट रेफरेंस्ड बाय द नेम, बेसिकली कॉलम में नेम होता है, जैसे कि हम कहते हैं इसकी आईडी नेम, ठीक है जी, ये डिफरेंट जो हमारे पास है। उसके अलावा रोल नंबर, और उसके बाद मार्क्स, अगर आप डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स करवाने हैं तो वो हम लिख देंगे इंग्लिश। आगे रोज में आएंगी कि जैसे कि स्टूडेंट नंबर वन है, रोल नंबर जिसका वन है तो उसके इंग्लिश में इतने मार्क्स हैं, मैथ्स में इतने मार्क्स हैं। द कॉलम्स कैन बी रिट्रीव्ड ऑर्डर, इट एनेबल्स मैनी यूजर टू शेयर सेम टेबल विदाउट टू कंसर्न हाउ द डाटा इज ऑर्गेनाइज। और उसके बाद हमारे पास है कॉलम्स एट्रीब्यूट्स आर एलिमेंटल और एटॉमिक, एन एंट्री एट द इंसर्शन ऑफ ईच रो एंड कॉलम इज एटॉमिक, अ वैल्यू दैट केस डिवाइडेड फर्दर इज कॉल्ड एटॉमिक वैल्यू एंड एक्सप्रेशन। उसके बाद एक बेटा एक और टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे हम, वो है हमारे पास व्यू का। तो व्यू हमारे पास क्या है? व्यू इज आल्सो नोन एज वर्चुअल टेबल, इट इज क्रिएटेड बाय यूजिंग एसक्यूएल, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आगे इट इज अ पावरफुल डेटाबेस लैंग्वेज, इट इज यूज्ड फॉर डेटा मैनिपुलेशन वगैरह के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। आगे इसके जो पर्पज हैं वो हम आगे देखेंगे। बेसिकली यहाँ पे सिर्फ इंट्रो ही था व्यू का।
तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह।